नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सुन पर। और आशा करता हूँ कि संक्रमण के इस दौर पर आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि संक्रमण की दूसरी वेव हमारे देश में आके निकल चुकी है, पर तीसरी वेव का भी खतरा बना हुआ है। और इसी के चलते हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़ते हैं उसको देखते हैं कि लापरवाही ना बरतें। कम से कम जैसा कि अधिनियम है हमारे कानून में, हमारे देश में, कि 2 गज दूरी बना के रखें, मास्क का यूज़ करें, अगर हो सके तो वैक्सीन लगवाएं, सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश और पूरा जगत इस जो महामारी है इससे निकले और सशक्त होकर निकले। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो हमारा प्रोग्राम है सुई सुन, हमने इसको फरवरी इस साल शुरू किया, और इस छोटी सी मुहिम में हमारी कोशिश रहती है कि देश दुनिया जगत से जाने माने चेहरे आप तक लाएं, उनकी जीवन यात्रा आपसे डिस्कस करें, उनकी जो चैलेंजेस, जो उनकी चुनौतियाँ रहीं जीवन में, जिनको उन्होंने ओवरकम करके जब अपने वो करियर के शिखर तक पहुँचे, उनसे हम भी कुछ प्रेरणा लें। और इसी श्रृंखला के चलते आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, मिस अंकित खुशू जी, जो कि कछवाहा एंड कंपनी, जो कि भारत की सर्वप्रसिद्ध एक आर्बिट्रेशन फर्म, एक बुटीक लॉ फर्म है, उसमें पार्टनर कार्यरत हैं। बहुत सालों से मेरी मित्र भी हैं, मैं उनको जानता भी हूँ काफ़ी सालों से, लेकिन उतने बिजी शेड्यूल से आपने आज हमारे टाइम निकाला अंकित, एक तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सुई सुन पे। थैंक यू जयंत। और सवाल जवाब की जो हमारी औपचारिकताएं होती हैं, उससे हमेशा शुरू होने से पहले हमारे कुछ आइस ब्रेकिंग सवाल होते हैं। आपके साथ में जरूरत तो नहीं है आइस ब्रेकिंग की, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए कुछ सवाल हम भी जानना चाहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाना भी चाहेंगे आपकी आवाज़ को, कि आप अपनी शुरुआती पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं, और ये भी बताएं वो कौन से पहलू थे आपके जीवन में जहाँ आपने सोचा कि अब आपको वकालत करनी चाहिए और वकील बनना चाहिए। मेरा जन्म कश्मीर में हुआ है, फिर क्योंकि वहाँ पे माइग्रेशन के टाइम, फिर जन्म के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे, मैं और मेरी फैमिली। स्कूलिंग दिल्ली से की है और 11th 12th में साइंस पढ़ी थी, क्योंकि मेरे फैमिली में सब इंजीनियर्स थे और सबका साइंस बैकग्राउंड था, तो माय सिस्टर, मेरे भाई सब इंजीनियर्स हैं, तो मुझे भी इंजीनियरिंग ही करनी थी, वही प्लान था, इसलिए साइंस पढ़ी थी। लेकिन जब 12th में इंजीनियरिंग दी, आई वांटेड मास्कॉम का दौर था, तो मैंने सोचा कि मास्कॉम के मैंने एग्जाम्स दिए, लॉ की भी एग्जाम्स दिए और इंजीनियरिंग के भी एग्जाम्स दिए, तीनों में क्वालिफाई हो गई थी। फिर जब डिसीजन लेने की बात आई थी, तो माय फादर इंट्रोड्यूस मी टू हिज लॉ लीगल सर्कल, और मेरे डैड के एक फ्रेंड थे, उनके बेटे लॉ कर रहे थे, वो खुद भी लॉयर थे, तो उनसे बात की, 2-3 और लोगों से बात की, और आई वाज रियली इंस्पायर्ड उस टाइम पे, एंड मैंने बोला नहीं, इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है, मैंने आई हैड डिसाइडेड, और मैं मास्कॉम और लॉ में मैं लॉ ही पढ़ूंगी, चेंज। आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड, बहुत कॉन्फिडेंट थे वो, और मैंने बोला मैं लॉ करूंगी। लॉ के एग्जाम्स दिए थे, आईटी का एग्जाम था, तो फिर काउंसलिंग के लिए बैठे और फिर एमिटी ज्वाइन किया, और तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एज अ लॉयर। जी जी, बड़ी अच्छी आपने व्याख्या की किस तरीके से कई बार, जैसे मेरा भी जो साइंस में मेरा हाथ तंग था, इसलिए मुझे लगा कि कुछ नहीं तो कम से कम भाषा के जरिए लॉ की पढ़ाई की जा सकती है, पर आपने बताया कि किसी न किसी तरीके से हम लॉ से जुड़ते रहते हैं, और अगर आप लॉ से ना जुड़ती तो देखिए आज एक अच्छा वकील कम हो जाता प्रोफेशन में। तो आपका होना और आर्बिट्रेशन को उसकी शिखर तक पहुंचाना मेरे ख्याल से अच्छा ही रहा, कहीं ना कहीं मैं इसको डेस्टिनी जरूर मानता हूं। तो इसके बाद आते हैं आपकी 5 साल की लॉ स्कूल की यात्रा पर आ जाते हैं। जो हमारे यंग दर्शक हैं उनके कुछ सवाल होते हैं जो कई बार मैं रिपीट करता हूँ अपने मेहमानों से भी, लेकिन ये मेरा कर्तव्य भी है और इस मंच के जरिए उनकी बात आप तक पहुँचाने का मुझे लगता है कि एक मेरी जिम्मेदारी भी है। तो 2-3 बड़े बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि कितना ज़रूरी होता है इंटर्नशिप्स करना लॉ स्कूल में, कितना ज़रूरी होता है मूट कोर्स करना, आर्टिकल राइटिंग, पब्लिकेशंस या फिर एनी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़। मुझे पता है आप लॉ स्कूल में काफ़ी एक्टिव रहीं, कुछ मूट्स हमने साथ भी के, शुरुआती मूट हमारा साथ ही में था, मुझे अभी भी याद है। तो इन सब चीज़ों के जो दायरे होते हैं कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई दफ़ा बच्चों के सवाल आ जाते हैं, और आजकल तो और भी खासा क्योंकि वो इतने सारे लॉ स्कूल की मशरूमिंग हो गई है देश में। लॉ कॉलेज तो थे ही पहले, जो 3 साल का कोर्स ऑफर कर रहे थे, अब 5 ईयर्स वाले तो हम लोग हैं। तो उसमें बच्चों के सवाल आते हैं कि भाई एक नेशनल स्कूल है, एक नॉन नेशनल स्कूल है, तो एक ये डिबेट अपने आप में चलता है, और जो नेशनल स्कूल के बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा परेशान है क्योंकि नेशनल स्कूल भी बहुत सारे हो गए हैं देश में। तो ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने अंडरटेक की अपने लॉ स्कूल के टाइम पे, कितना आपने फ़र्क पाया इन सब चीज़ों को लेकर, और आपकी क्या हिदायत है हमारे नए ये यंग दर्शकों के लिए उस चीज़ को लेकर? मैं लॉ स्कूल में आई वाज ऑलवेज अ स्टूडियस स्टूडेंट, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था और लॉ स्कूल में भी बहुत पढ़ाई की, तो मैंने 3 चीज़ों पे
काफी मतलब वर्क किया था अपने लॉ स्कूल में. एक तो पढ़ाई में बहुत वर्क किया, आई वर्क ऑन माई ग्रेड, एकेडमिक पे जो भी क्लास में पढ़ते थे और जाके किताबें पढ़ना, आई नेवर गिव अप ऑन दैट, हमेशा पढ़ाई की थी. सेकेंड, मूट कोर्ट्स में बहुत पार्टिसिपेट किया, जैसे आपने कहा आपके साथ ही मेरा पहला मूट कोर्ट था. जी तो आई डोंट हैव टू टेल द चिल्ड्रन, आज स्टूडेंट्स आर वेरी वेल वर्थ देमसेल्फ, कि अगर आप एक मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट, आप 3 महीने 4 महीने उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हैं. तो आप इन एडिशन टू द लॉ आप बहुत और भी चीजें सीखते हैं, हाउ टू वर्क विद अ टीम, अपने टीम मेंबर्स के साथ कैसे काम करते हैं. और आज हमारे टाइम भी और अभी भी मूट कोर्ट्स टेक यू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आप ट्रैवल कर सकते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में लोगों से मिल सकते हैं. तो आपका वैसे भी मतलब राइट आउट ऑफ स्कूल आपका वो वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है आपको. मूट कोर्ट्स करना बहुत बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 1 साल में एक मूट कोर्ट तो करना ही चाहिए. तो मतलब वेन यू ग्रेजुएट तो 5 या चलिए 4-5 मूट कोर्ट तो आपको करने ही चाहिए. हर मूट कोर्ट पे अलग प्रोपोजिशन होता है और अलग सब्जेक्ट पे आप लर्न करते हैं. एक वो लर्निंग आपको लाइफ के लिए रहती है, वो कोई बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड 4 months ऑफ योर लाइफ डूइंग दैट. और थर्ड, इंटर्नशिप बहुत बहुत जरूरी है. डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर्नशिप करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अनलेस आपका कोई बहुत बड़ा लीगल बैकग्राउंड है और आपको पता है कि आपको क्या करके लाइफ में करना है और आपका सारा वो चार्ट बना हुआ है. कॉलेज में हमें समझ नहीं आता है कि हमारी रुचि किस तरफ है, तो इंटर्नशिप्स हमें बहुत हेल्प करती है. जैसे मैंने अपने लॉ स्कूल में हर तरह की इंटर्नशिप की, मैंने एनजीओ में भी काम किया, हाईकोर्ट में इंडिविजुअल लॉयर के साथ काम किया था, फिर फर्म कॉर्पोरेट फर्म में काम किया, फाइनली डिस्प्यूट फर्म में काम किया. और हर जगह काम करके व्हेन आई हैड जॉइन लॉ स्कूल मैंने बोला मुझे कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, मेरे दिमाग में ये था. लेकिन जब मैंने फाइनली फाइनल ईयर के बाद ग्रेजुएट किया, मैंने बोला नहीं मुझे डिस्प्यूट करना है, क्योंकि आई रियली इंजॉयड माई इंटर्नशिप्स इन अ डिस्प्यूट फर्म. आई सेड नहीं मुझे डिस्प्यूट करना है, सो इट गेव मी दैट पर्सपेक्टिव. तो इसलिए इंटर्नशिप करना बहुत बहुत जरूरी है, यू शुड नॉट मिस इट. सो माई सजेशन वुड बी टू कीप अ बैलेंस, सब सब कुछ कीजिए. मैंने इनिशियल 2 ईयर्स में डिबेट्स भी किए थे, डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया था. तो आपको डिबेट्स भी करने चाहिए, एनी अपॉर्चुनिटी विच यू हैव वेयर यू कैन डिस्प्ले योर वर्क ऑन योर ओरल स्किल्स, यू शुड डेफिनेटली डू इट. जी आपने इतनी बढ़िया बातें रखी, मेरे को थोड़ा इसमें एक दो सवाल आपसे और करने हैं, क्योंकि कई बार बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरह की इंटर्नशिप करें. आपने कहा जैसे आपने एनजीओ भी किया, लॉयर्स के साथ भी काम किया, फर्म में भी काम किया. कुछ बच्चों की ऐसी मेरे ख्याल से धारणा रहती है कि हम सिर्फ अगर कॉपरेट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ कॉपरेट लॉ फर्म की करेंगे. कुछ लोग वकालत की इंटर्नशिप करते करते सोचते हैं यार अब वकालत ही की जाए, हम कॉपरेट क्यों करें, हमने कभी कॉपरेट इंटर्नशिप नहीं की. तो कई बार वो हिट्स एंड मिसेस कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ लॉ स्कूल में हो जाते हैं. तो इंटर्नशिप के एंगल को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वैरायटी ऑफ इंटर्नशिप अच्छी रहती है या फिर एक ही तरह की इंटर्नशिप करते हैं क्योंकि आपने आप प्री डिसाइड कर लिया अपने करियर. देखिए अगर आप बिल्कुल डिसाइडेड हैं और आपने मन बना लिया है और आपने सब कुछ सोच लिया कि मेरे को कॉर्पोरेट ही करना है, दिस इज माय कॉलिंग, तो ठीक है. यू कैन देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट जिसके हम सीवी भी देखते हैं तो वो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट में ही काम करते हैं. लेकिन दैट इज अ व्यू पॉइंट, बट माई व्यू पॉइंट इज दैट गुड, यू डिसाइडेड यू डन कॉर्पोरेट, लेकिन आपको लिटिगेशन की डिस्प्यूट की इंटर्नशिप करनी चाहिए एक बार दो बार, क्योंकि प्रोफेशन बहुत बड़ा है. And you don't want to be restricted to just your knowledge of corporate. So when that is, if you have varied experience, that is what will help you become a wholesome lawyer. कि आपको कोई अगर आपके पास जैसे आप corporate के बहुत बड़े वकील बन गए, लेकिन कोई lawyer आया, कोई client आया आपके पास और कोई आपका अपनी problem लेकर आया, तो आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ corporate में आपका ये आपका issue है, लेकिन कोर्ट में क्या होता है मुझे पता नहीं है, मैं पता करके आपको बताऊंगा. तो एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस तो होना आपको आपको बहुत जरूरी है. और इसलिए मेरा मानना है एटलीस्ट प्रोफेशन में एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर्स इनिशियल ईयर्स आपको कोर्ट का काम करना चाहिए, तभी आप एक होलसम लॉयर बन सकते हैं. कि आपको अगर कोई कॉर्पोरेट कोई क्वेरी है और रिलेटेड टू डिस्प्यूट है, कोई कोर्ट का इशू है, तो आप एडवाइस कर सकते हैं. बहुत सिंपल सी बात है कि अगर जैसे आप फैमिली में हैं और किसी का मैट्रिमोनियल इश्यू है और आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे ना कि अरे मुझे कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं है कोर्ट में कैसे होता है. एटलीस्ट यू शुड हैव दैट होलसम एक्सपीरियंस. इसलिए मेरे मायने में आपको 1 ईयर ठीक है आप करिए कॉर्पोरेट, लेकिन आपको एक
because law school is what gives you that time to experiment, to do it. So you should utilize that time to experiment and see and get exposure on different varied fields. So जी that इसी is my जी view. जी इसी से मिलते जुलते मेरा एक सवाल और है, क्योंकि अब तो आप पार्टनर हैं इतनी बड़ी फर्म में, आप आर्बिट्रेशन के इतने सारे केस संभालती हैं, और मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ जो आते हैं या जो मेरे से डीएम करके ही बात करते हैं, कई बार उनके डाउट्स होते हैं कि हमें सिर्फ आर्बिट्रेशन में करियर बनाना है। जैसे मैंने कॉर्पोरेट की बात की, क्योंकि आर्बिट्रेशन आई थिंक काफ़ी वोग में है पिछले 10-15 सालों से, और आई थिंक मनी मेकिंग एक, जैसे पहले कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स का एक चार्म था, अब आर्बिट्रेशन का भी वही चार्म है कि बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया होटलों में जाने को मिलता है, तो बच्चों का एक जाहिर सी बात एक आकर्षण बन जाता है कि यू नो इट्स अ वेरी फैंसी थिंग टू डू, पर उसके चलते लोग वही होता है कि जैसे कहते हैं ना कि घोड़े का वो जो ब्लाइंड्स बंधी रहती है एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि बाकी चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं। तो नाउ एज अ पार्टनर और एज एन एम्प्लॉयर, माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपके यूथ को लेके इसमें क्या सलाह होगी कि अपने इंटर्नशिप को, अपने लॉ स्कूल को कैसे स्ट्रक्चर करें, क्योंकि आजकल कई बच्चे कहते हैं मूड्स भी करेंगे तो आर्बिट्रेशन रिलेटेड करेंगे, इंटर्नशिप भी करेंगे तो आर्बिट्रेशन रिलेटेड करेंगे, और उसके बाद जब उनको ब्रेक नहीं मिलता तो डिप्रेशन हो जाती है, तो इससे कैसे जूझा जाए? मैं जेंट्स व्हेन आई वाज इन लॉ स्कूल हम साथ ही थे, तो इतना हमें खुद भी आइडिया नहीं था कि हमें क्या करना है. हम यू नो इट इज धीरे धीरे सीख रहे थे, कर रहे थे. जी लेकिन आजकल बच्चों को बिल्कुल पता है कि आर्बिट्रेशन करना है तो हम आर्बिट्रेशन के जजमेंट्स पढ़ेंगे, हम आर्बिट्रेशन के लॉ पे अपडेटेड रहेंगे, हम सिर्फ आर्बिट्रेशन करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे. दैट इज फाइन, दैट इज ओके. बट साथ ही आपको आप बाकी एवेन्यूज को क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि आई डू आर्बिट्रेशन मैटर्स, बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, व्हेन जब मैं कोर्ट जाती हूँ और मैं लॉयर्स को आर्ग्यू करके देखती हूँ या जजेस को देखती हूँ, तो मेरी वहां पे इतनी लर्निंग होती है कि अच्छा कोर्ट में ऐसे यू नो द आर्ग्यूमेंट्स पे मेक, देयर सो मच लर्निंग. आई इवन नाउ वी के नॉट, स्टूडेंट्स शुड नॉट क्लोज द एवेन्यूज. दे शुड डेफिनेटली, दे वॉन्ट टू डू आर्बिट्रेशन, दे शुड वर्क टूवर्ड्स इट, दे शुड रीड अप द लॉ, दे शुड ट्राई टू गेट इन टू आर्बिट्रेशन एजुकेशन, बट अपने आप को बाकी चीजों के लिए उन्हें उन्हें यू नो दे शुड नॉट नॉट डू इट. फॉर एग्जाम्पल, ओ नहीं आई डोंट वॉन्ट टू डू इट. इफ यू गेट अ लिटिगेशन अपॉर्चुनिटी, यू शुड डेफिनेटली टेक इट अप, बिकॉज द काइंड ऑफ लर्निंग यू हैव इन कोर्ट इज वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी गुड लर्निंग. एंड सिमिलरली if you have a corporate opportunity, take it up. At some जी point, it will come of use in life. ये तो बहुत जरूरी है. वो I mean, I should not say, पर एक कुएं के मेंढक जैसे मत बनिए. जी पूरा अपना वर्ल्ड व्यू रखिए, कुछ साल सब कुछ करिए, मे बी 2 years, एंड फिर लॉ स्कूल गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, एंड देन फाइनली वर्क टूवर्ड्स स्पेशलाइजेशन, एंड देन यू बिकम अ होलसम लॉयर. जी मेरे ख्याल से आपकी बात लोग ज़्यादा सीरियसली लेंगे, बिकॉज इट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। मैं कहूँगा तो लोग हल्के में लेते हैं, कहते हैं भाई ये तो इंसान आर्बिट्रेशन जानता नहीं है और बातें पूरी पूरी करता, तो अच्छा हुआ कि मैंने कम से कम आपसे बातें बुलवा ली। तो जो भी हमारे दर्शक जब भी हम ये एपिसोड अपलोड करेंगे और उस चीज़ को सुनेंगे तो समझेंगे कि देखिए बुराई नहीं है अगर आप एक करियर परसू करना चाहते हैं, लेकिन उस करियर परसू करने के चक्कर में बाकी चीज़ें मत छोड़ें। एक इसका मैं पैरेलल अगर ड्रॉ करूँ तो हमारे देश में ऐसा कई बार होता है कि सरकारी नौकरी के पीछे लोग सिर्फ जुडिशरी का एग्ज़ाम या यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसके साथ में बाकी ड्रीम्स को नहीं परसू करते, और एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है। यही चीज़ मैं समझता हूँ लॉ में भी लागू होती है। अगर आप सोचें मुझे सिर्फ टॉप फर्म में जाना है, सिर्फ आर्बिट्रेशन करनी है, और किसी भी कारणवश अगर आपको ब्रेक ना मिले तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बच्चों की, उनके परिवारों की, इस चीज़ को अनदेखा मत कीजिए और सब कुछ कीजिए, क्योंकि लाइफ में आपको कौन सा ब्रेक कहाँ मिल जाए, कौन सी अपॉर्चुनिटी आप कहाँ साझा कर पाएँ, कहना मुश्किल है। एक मेरा सवाल मूड कोर्ट को भी लेके अंकित आपसे, क्योंकि और दोनों एंगल से, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपने मूड कोर्ट्स किए भी एंड एज अ फर्म पर्सन आप लोगों ने मूड कोर्ट कंडक्ट भी करा है, तो मूड कोर्ट्स का कितना महत्व आपको लगता है स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स की लाइफ में, खासकर कि जैसे मुझे से नालायक बच्चे तो ये था कि भाई मूड करने क्योंकि देश घूमने को मिलेगा, भाग लेंगे, कुछ ना कुछ मस्ती हो जाएगी, लेकिन आप एक सीरियस स्टूडेंट थी, आप अपनी बेस्ट टॉपर भी रही हैं, तो उसमें मुझे बताइए कि फोकस कैसे करें, मूड कोर्ट्स के टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रा बच्चों को बताएं, और मैं उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ जिनके जो नए लॉ स्कूल से बिलोंग करते हैं, जिनके पास वो गाइडेंस नहीं है, वो मेंटरशिप नहीं है, कई बार फैकल्टी इनएडिक्वेट होती है उनको गाइड करने में, तो उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मूड कोर्ट्स, हाउ टू गो अबाउट मूड कोर्ट्स, और मूड कोर्ट के करने के फायदे क्या क्या हैं। नुकसान तो मुझे लगता नहीं कुछ है, पर अगर हो तो वो भी बता दीजिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगी फायदे क्या क्या है मूड कोर्ट से, बोथ एज अ पार्टिसिपेंट एंड एज अ एन ऑर्गेनाइजर. एज अ पार्टिसिपेंट मूड कोर्ट्स के बहुत फायदे हैं.
एक जैसे अगर आप क्रिमिनल लॉ पे मूव कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल लॉ के प्रोपोजिशन पे वर्क करते हैं और उसपे आप रिलेटेड प्रोपोजिशन पे वर्क करते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आपकी उस लॉ पे, उस सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाती है. जैसे हमारे टाइम में सभी लोग इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे बहुत मूव कोर्ट करते थे, जी और हद से दैट ज्यादा इज द ग्लैमरस, हद से ज्यादा जी ग्लैमरस मूव कोर्ट टू डू. तो बहुत हाँ पकड़ है उस सब्जेक्ट पे. तो आज आज भी मतलब इफ आई डिड डू पब्लिक इंटरनेशनल मूव, बट हाँ लोगों की पकड़ है. आई डिड ऑन फैमिली लॉ एंड ऑन इंडियन लॉज एंड डोमेस्टिक लॉज. तो जो मैंने मूव कोर्ट में पढ़ा समझा तो अभी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है. आई हैव नॉट डन मैट्रिमोनियल मैटर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई डिड वन मूव, सो आई स्टिल हैव दैट लर्निंग. आई नो वेयर टू गो बैक टू, व्हाट इश्यूज टू गो बैक टू. एंड एक वो है, और सेकेंड आपकी ट्रेनिंग हो जाती है कि जैसे आपको एक प्रोपोजिशन देते हैं, आप हाउ यू हैव टू अप्रोच इट, हाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट, हाउ यू हैव टू एनालाइज इट. तो एज अ लॉयर दैट इज व्हाट यू आर इवेंचुअली गोना डू इन लाइफ, कि क्लाइंट आपके पास एक प्रोपोजिशन लेकर आएगा और बोलेगा ये मेरा प्रोपोजिशन है, आप मेरे को ये मेरे को रेजोल्यूशन दीजिए, मैं कैसे करूंगा. तो आप पूरा फिर लॉ का गैमेट पढ़ते हैं, फैक्ट पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और बोलते हैं कि ये आपका सोल्यूशन है, ये ए बी डी आपके ऑप्शन है, आप ऐसे कर सकते हैं. सिमिलरली मूट कोर्ट में भी आप वैसे ही अप्रोच करते हैं, तो आपकी वो वाली लर्निंग बहुत होती है. और थर्ड, मूट कोर्ट में यू मेक फ्रेंड्स फॉर लाइफ, जी आपके जिनके साथ आपके मूट जो आपके मूट पार्टनर्स होते हैं, या तो बहुत दुश्मनी हो जाती है या यू मेक फ्रेंड्स फॉर जी लाइफ. सो बट इट्स अ हिट एंड मिस. तो इसलिए मूट कोर्ट करना बहुत जरूरी है एज अ स्टूडेंट, एज एन ऑर्गेनाइजर, बिकॉज मैं अपनी फर्म में एफटीआई मूट बहुत सालों से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जैसे जब स्टूडेंट्स आते हैं, इफ देर इज अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हु हैज डन वेल एट ऑर्गेनाइज मूट, देन वो स्टूडेंट हाईलाइट हो जाते हैं कि अच्छा ये बहुत अच्छा है. एंड देन व्हेन दे अप्रोच अस फॉर इंटर्नशिप, तो हम हमेशा बोलते हैं हाँ ठीक है, वी कंसीडर यू, उनको इट्स ऑल मेरिट बेस्ड, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है आइए. ऑटोमेटिक प्रेफरेंस मिल जाती है. जी जो हमारे मूव कोर्ट्स में जजेस आते हैं, दे ऑल हाई कोर्ट लॉयर्स, लॉ फर्म पार्टनर्स, वेरी रिप्यूटेड पीपल हु आर डूइंग रियली वेल इन द प्रोफेशन. तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर टैलेंट इन योर वर्क बिफोर देम, सो देयर आल्सो यू गेट हाईलाइटेड, अच्छा ये बच्चा बहुत अच्छा है. जैसे हम हमारे मूव कोर्ट के बाद हमारा डिनर एक हम ऑर्गेनाइज करते हैं सारे जजेस के लिए, तो ये पूरे डिनर का यही डिस्कशन हो रहा था, अरे वो बच्चा बहुत अच्छा था, उसने वो आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा किया. सो ऑब्वियसली यू यू आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द सर्कल, सो इफ यू परफॉर्म वेल, सो दैट इज अनदर एडवांटेज. इन टुमारो फ्यू आप अगर उस लॉयर या उस लॉ फर्म के पास जाएंगे, वो आपको रिमेम्बर करेंगे और आपको कंसिडर करेंगे जॉब के लिए और जो भी इंटर्नशिप है. मूट कोर्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर रिसर्च, हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. जो भी आपकी रिसोर्सेज है, वेदर ऑन इंटरनेशनल, और आजकल तो जैसे हमारे टाइम में उतना एक्सेस नहीं था टू बी लीगल डेटाबेस एंड ऑल, बट नाउ इट्स दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. स्कूल्स हैव सब्सक्राइब टू ऑल दीज रिसोर्सेज. आप रिसर्च करिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, योर एज गुड एज योर रिसर्च इन अ मूट जी कोर्ट. सो योर ओरेशन कैन टेक यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आप जैसे आर्ग्यू करते हैं, पर अल्टीमेटली इट्स हाउ वेल यू आंसर द क्वेश्चन ऑन लॉ, हाउ वेल हैव यू अंडरस्टूड द फैक्ट. एंड एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर यू यू हैव टू कीप क्वेश्चन, कि अगर ये क्वेश्चन है तो आपको ये आंसर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है ये आंसर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है ये आंसर होना चाहिए. एंड दैट विल हैपन ओनली इफ यू आर टोटली ऑन टॉप ऑफ द लॉ एंड ऑन टॉप ऑफ द फैक्ट. सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट. एंड वर्क ऑन योर रिसर्च, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऑफ कोर्स ओरिशन, बट रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट है. जी आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और कुछ मतलब कहते हैं ना कि पुराने जख्म भी आपने हरे कर दिए, क्योंकि जैसा कि लॉ स्कूल का मुझे पता, आप लोगों के पास वेस्टलॉ वगैरह का एक्सेस नहीं हुआ करता था उस वक्त, और बड़ी परेशानी होती थी। एक छोटा सा कंप्यूटर लैब था हम लोग के लॉ स्कूल में, मनुपत्रा तो हुआ करता था, शुरू ही हुआ था उस टाइम देश में मनुपत्रा, और वेस्टलॉ के लिए तो दोस्तों यारों से पासवर्ड मांगने पड़ते थे, या फिर ISIL और ILI जो दो लाइब्रेरीज हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऑपोजिट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ और इंडियन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो ये जो दो हमारी प्रसिद्ध लाइब्रेरियाँ हैं दिल्ली की, भगवान दास रोड पर, उस पर हम लोग जाके
काफ़ी वक्त गुजारते थे, क्योंकि फिजिकल किताबें आपको निकाल के पढ़ के फुट नोट्स बनाने पड़ते थे। तो वाकई वो कहते हैं ना, पुरानी यादों को एकदम सामने कर दिया कि क्या क्या, जब आपके रिसोर्सेज कमी रहते हैं। आजकल तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं बच्चों के पास, लॉ स्कूल्स के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसको ज़ाया ना करें, आपने बताया कि अच्छा। और दूसरी आपने बात बताई कि इट्स लाइक अ मैट्रिमनी, मतलब जो टीम बनती है, या तो दोस्ती यारी बहुत अच्छी होती है या एकदम ही कट ऑफ हो जाता है। तो इट टेक्स यू द रिलेशनशिप टू अ न्यू लेवल। तो ये मेरे को लगता है कि वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की। एक चीज़ मैं अब और आपसे बात करना चाहूँगा, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु इज बीइंग कंडक्टिंग एफडीआई का फुल फॉर्म, दर्शकों को बता दें, इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एफडीआई मूट अंकित और उनकी फर्म जो कछुआ एंड पार्टनर्स है, मेरे ख्याल से पिछले एक दशक से वो कंडक्ट करा रहे हैं। हमारे देश का बड़ा एक यूनिक आर्बिट्रेशन का मूट कोर्ट है, जिसके साउथ एशियन राउंड्स, इंडियन राउंड्स हमारे देश में होते हैं, और उसके बाद जो फाइनलिस्ट या जो टीम यहाँ से क्वालिफाई करती है विदेश जाके उस मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करके बहस करती हैं। तो दो मेरे आपसे सवाल हैं, एक जैसे मैंने बोला बच्चों के दृष्टिकोण से, और दूसरा या तो एक ऑर्गेनाइजर के या समवन हु हैज आल्सो जज मूट कोर्ट। कई बार ऐसा देखा जाता है मूट कोर्ट में कि बच्चे तैयारी तो पूरा करके जाते हैं, अच्छी बुरी सभी टीम होती है ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं भी सिर्फ अच्छी बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पूरी तैयारी करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपने बोला मेहनत लगन से काम करते हैं, और उनको जज मिल जाते हैं बड़े टेढ़े, मतलब स्पेशली क्योंकि यंग लॉयर्स भी हमें देखते हैं, तो यंग लॉयर्स स्पेशली इस चीज़ को समझेंगे और समझना भी चाहिए कि जब यंग यंग आप लॉयर होते हैं तो आप में आक्रोश बहुत होता है, आपको लगता है दैट यू आर द ओनली पर्सन हु इज राइट इन द रूम। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे मैं, और यहाँ मैं सिर्फ आर्बिट्रेशन मूड की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल मूड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया बन गया, कि कई जजेस बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चों के साथ, और मैंने तो कई बार देखा कि बच्चे रोना शुरू कर देते हैं मूड कोर्ट्स में। तो वॉट विल बी योर टिप्स बोथ टू द पर्सन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन अ मूड कोर्ट, कैसे हैंडल करें डिफिकल्ट जजेस को, एंड टू द जजेस हु आर दीज यंग लॉयर्स हु गो टू जज मूड कोर्ट, कि उनको अपना बर्ताव या व्यवहार कैसा रखना चाहिए बच्चों के साथ। अग्रेसिव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एज अ पार्टिसिपेंट एंड एज अ ऑर्गेनाइजर ऑल्सो, अग्रेसिव जजेस मेरे हिसाब से दो तरह के होते हैं। जी एक होते हैं जो हु आर अग्रेसिव जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग अग्रेसिव, एंड उनका पर्पस होता है सिर्फ स्टूडेंट को कंफ्यूज करना और लॉन्ग वाइंडिंग क्वेश्चन पूछना, नॉट गो टू रीच एनी पॉइंट। एक ऐसे तरह के अग्रेसिव जजेस होते हैं। दूसरे तरह के अग्रेसिव जजेस होते हैं हु आर बीइंग अग्रेसिव बिकॉज दे वांट टू सी हाउ व्हाट इज द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज। सो इफ यू हैव मैनेज टू इम्प्रेस देम कि हाँ आपको ये आंसर आते हैं, ये आते हैं, ठीक है, देन दे आपको और क्वेश्चन करते हैं उस वैसे जजेस की, अच्छा आपकी डेप्थ कितनी, और अगर आप उनको और जितना जितना सेटिस्फाई करते हैं तो उतना आपको और क्वेश्चन पूछते हैं। सो उन जजेस को तो डील करना बहुत सिंपल है, यू हैव टू कीप योर काम एंड यू हैव टू जस्ट keep your ground and you have to answer them. I, of course, I won't take the name, but very famous in the moot court circle, very aggressive judge, but he judges our moot court circle. But when he gives the marking, his markings are in 90, 91, 92. So he's, you know, he's always marking in 90s. He's always giving very liberal marks. But when he's questioning, he wants to समझना चाहते हैं कि आपको knowledge कितनी है। तो उनके साथ तो आप अपना काम रखिए, स्टिक टू योर पॉइंट, डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट फ्लैबरगास्टेड होगी क्या पूछ रहे हैं और नर्वस अगेन, उनका पर्पज ही वो है आपको टेस्ट करने का। अब दूसरे तरह के जजेस है जो ऐसे ही पूछते हैं उनके साथ, तो मैं भी एज एन ऑर्गेनाइजर यू आर स्ट्रगलिंग उनको बताने के लिए कि दैट्स नॉट हाउ यू अप्रोच जजिंग। आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, फिर जाके मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि प्लीज ऐसे मत कीजिए। तो अब उस केस में भी आई मीन क्या क्या करेगा, यू नो स्टूडेंट जस्ट हैज टू कीप काम, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट देर आर सम केसेस। तो जब मैं मूट कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था तो आई हैड दीज फ्यू ऑड केसेस, फिर सब्सिक्वेंटली एज एन ऑर्गेनाइजर आई लर्न कि इन जजेस को नहीं बुलाना है, एंड आई द नेक्स्ट राउंड आई डिडंट कॉल दीज जजेस एज एन ऑर्गेनाइजर, दे वर जस्ट आई एम नॉट गोना इनवाइट देम फॉर द मूट। So obviously that has now happened over the years, and now we have judges who are very, very good, and jinke saath aisa issues, koi problems nahi hoti hai. That has of course happened over the years. The other thing is, hamare moot mein kya hota hai, you know, it's a knockout round. Ki agar jaise koi bahut aggressive judge hai, to hopefully he's going to be aggressive to both the teams and he's going to ask those questions to both the teams. You just, on that particular day, in that particular round, you have to perform better than the other team. If you've done that, then you're through for that round and hopefully the next round will be a better round. So that's my take on that.
बड़ा सच सच आपने जवाब दिया अंकित, पहले तो इस बेबाकी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसा कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, और क्योंकि हर आदमी का टेम्परमेंट अलग होता है, ये समझने की चीज़ है, बोथ आई थिंक टू द पीपल हु आर जजिंग अ मूट कोर्ट एंड पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मूट कोर्ट, कि देर इज नथिंग पर्सनल, सिर्फ आपकी नॉलेज को गेज किया जा रहा है, आपके कंडक्ट को गेज किया जा रहा है, आप घबराए ना, क्योंकि उस कोर्ट रूम के बाहर एवरीबडी इज़ अ फ्रेंड, एवरीबडी इज़ अ कोलीग, ये समझने की ज़रूरत है। और जो यंग लॉयर भी हम इस शो को सुने बाद में, अगर आप किसी मूट कोर्ट को जज करने चाहते हैं तो प्लीज़ बच्चों को ज़्यादा उनका टास्क जटिल ना बनाएं, ऑलरेडी बेचारे चार चार छः छः महीने तैयारी करके आए, अपने लॉ कॉलेज से लड़के आए हैं, अटेंडेंस की मार अलग होती है, और उस पर अगर आप उनको और ज़ख्मी कर देंगे और चोटिल कर देंगे तो करियर में आने से पहले जो घाव होते हैं, जो इमोशनल जो एक डेंट पड़ जाता है, वो मेरे ख्याल से दूर हो पाना मुश्किल होता है। तो इस मंच के जरिए मैं आप सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि बी फर्म बट यू नो बी पोलाइट, इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस बट इट कैन बी मेंटेन, हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, हमेशा दूसरे पे हावी होना या दूसरे को तिरस्कृत करना, उसको नीचा दिखाना पर्पज़ नहीं होना चाहिए। पर्पज़ ये होना चाहिए कि प्रोफेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और उसके लिए एक तालमेल, एक सामंजस्य, अगर हाँ कोई बच्चा रिसर्च में कमज़ोर है आप ज़रूर पॉइंट आउट करें, उसको कम नंबर दें, कोई परेशानी नहीं है, पर किसी को रुला देना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को बार बार इंटरजेक्ट करना, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से ठीक नहीं होती। बहरहाल ये हमारा फ़र्ज भी है, और जैसे मैंने कहा इस मंच के जरिए लोगों तक जो बात पहुँचानी है वो पहुँचानी भी चाहिए। अगला पड़ाव अंकित आते हैं आपके प्रोफेशनल करियर पे, अब आप लॉ स्कूल से ग्रेजुएट कर गई हैं, आप एक यंग वकील हैं, आपने खुराना एंड कंपनी से शुरुआत की अपने करियर की, तो उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, कैसा सफ़र रहा, क्या क्या आपने काम सीखा, और एज अ यंग लॉयर कितना स्ट्रेसफुल होता है करियर शुरू करना, और करियर में चीज़ें कैसे सीखी जाती हैं? उस टाइम एज अ यंग लॉयर बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, बट व्हेन आफ्टर 13 इयर्स यू लुक बैक एंड देन यू थिंक अरे वो तो कितना इजी था, उसमें किस बात का स्ट्रेस ले रहे थे हम। तो आई स्टार्टेड विद विद मिसेस दीमा खुराना इन द हाई कोर्ट, शी इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, उनके पास बहुत तरह का काम था, हाई कोर्ट, DRT, कंज्यूमर फोरम, और उस टाइम क्योंकि डिस्प्यूट लिटिगेशन करनी है का चुल थी कि नहीं लिटिगेशन करनी है, कोर्ट जाना है, धक्के खाने हैं, आई वॉन्ट टू डू दैट वर्क, अदरवाइज देर इज नो एक्सपोजर। सो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू वर्क विद अ हाई कोर्ट लॉयर, आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन अ फर्म। फिर उनके साथ काम किया 1.5 इयर्स, बहुत अच्छी लर्निंग रही, शी वॉज माई डायरेक्ट मेंटोर, और उन्होंने मुझे अपियरेंसेस तो खुद सारी की, खुद सीखी, शी वुड जस्ट गिव मी द फाइल, गिव मी टाइम टू रीड एंड शी वुड से ओके गो डू द अपियरेंसेस। तो उस टाइम बहुत कोर्ट गए, 30 हजारी गए, पटियाला हाउस गए, कंज्यूमर फोरम्स में जाते थे, हाई कोर्ट्स में भी कुछ अपीयरेंसेस करी। एक मुझे याद है एक इंसिडेंट, मैं नाम टॉकिंग थी, वो 30 हजारी, यंग यंग लॉयर है, 30 हजारी में गए थे, आर्बिट्रेशन का कोई मैटर था और ए वर्सेस बी का कुछ मैटर था, तो मैम ने बोला कि इसमें स्टे लेकर आ जाओ, आर्बिट्रेशन अवार्ड था, उसको स्टे करना था जी। तो मैंने बोला ठीक है, तो 2 बजे आई थिंक चीफ वो एडी जे बैठते थे, तो फिर मैं गई थी फाइल लेकर, तो जब मैं फाइल पढ़ी थी मैंने बोला अरे मेमो ऑफ पार्टीज तो उल्टा हो गया है, जो मेरा क्लाइंट था वो मैंने बी लिख दिया था, लाइक इट वॉज सपोज टू बी ए वर्सेज बी एंड द मेमो वॉज बी वर्सेज ए। So I was very nervous. I said, "Now what to do?" And she has told me, "You'll get a stay." So judge saab ke saath appear kiya, file ke saath, "Your lordship, there is some error in the memo of parties. It should be B versus A and not A versus B." So the judge to bilkul gussa ho gaye mere pe, file wale pakadne lag gaye. Kaise kaise young lawyers aa jaate hain, memo of parties to theek se nahi kar sakte ye wo. 5-10 minutes unhone maine mujhe डांटा और बोला जाओ amended memo of file पार्टी फायर कर गया। मैं बोला ओके लॉर्डशिप मैं फायर कर दूंगी, बस इन द मीनवाइल आप स्टे कर दीजिए। तो वो तो अपनी कुर्सी से ऐसे उठे और उन्होंने मुझे जो कोर्ट रूम से निकाला, एंड बिकॉज़ आई वाज वेरी स्कैर्ड टू गो बैक टू माय सीन एंड टेल हिम आप स्टे नहीं हुआ है जी। सो आई टोल्ड हर द इंसिडेंट, शी वाज आल्सो लाफिंग। So I was just thinking कि कितना confidence होता था ना as a junior lawyer कि कुछ भी बोलो बस order लेकर आना है। तो they were very very different days, good days, और बहुत मजा आता था court में, सुबह जाओ hearing करो, और जिस दिन matter के लिए सबसे ज्यादा prepare करते थे उस दिन सब छुट्टी पे होते थे हमेशा ही। तो हाँ ये तो ये this is the story of a lawyer's life।
वहां पे मैम के साथ डायरेक्टली ड्राफ्टिंग सीखी. लॉट ऑफ टाइम्स शी वुड सिट विद मी, वर्क ऑन माय ड्राफ्ट विद मी टुगेदर एज अ यंग लॉ स्टूडेंट, एंड शी वुड रियली मेंटर मी. जी द बेस्ट पार्ट वाज दैट शी नेवर saw me as a junior who's just in her office. She always taught me and she took that effort to teach me. And she would tell me, Ankit, ye drafting, maine ye point isliye bola hai for this argument. I've said this for this. She always took the pains to explain to me. And even now when I'm stuck with something in DRB or some surfacey matter, I always go back to her. And it was a very, very good experience. वो डेढ़ साल जो मेरी लर्निंग थी, बहुत बहुत मजा आया था. And I always look back to those times fondly. इतना इतना बढ़िया जो आपने इंसिडेंट बताया, तो अच्छा हुआ कि आपने स्टे नहीं मांगा, नहीं तो आप दूसरे अपने क्लाइंट के ऑपोजिट पार्टी को स्टे दिला देती हैं और वो ज़्यादा ब्लंडर होता. बट इट्स अ गुड आई थिंक लर्निंग लेसन फॉर ऑल यू नो यंग लिसनर्स कि देखिए जब आपको अपनी गलती पता चल जाए, आपको देखिए अपनी गलती का आभास इतनी बढ़िया तरीके से हुआ, एटलीस्ट आपने कोर्ट में फाइल एक बार खोल के पढ़ी. कई लोग तो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अगर मेरे जैसे हो कि बिना फाइल पढ़े भी कई बार आर्ग्यू कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए. अगर आप यंग हो तो प्लीज़ अपनी फाइल पढ़ें, ढंग से देखें, क्योंकि नफासत जो है, जो करीना है पूरी वकालत का, वो इसी में है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल में क्या है. तो कम से कम आपने अपने क्लाइंट को हर्ट होने से बचा लिया. और ये छोटी छोटी लर्निंग्स होती हैं विच यू नो ऑलवेज हेल्प अस इन द लॉन्गर रन. एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ से निकल के आता है, क्योंकि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं आजकल, मेंटल हेल्थ का इशू बहुत बातें हो रही हैं, स्पेशली कोरोना के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेसफुल. अब आपको क्या लगता है, यू नो स्टार्टिंग एज अ यंग लॉयर व्हेन ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर ओपनिंग्स, क्या कहीं ब्रेक मिल जाए, कहीं जॉब मिल जाए, सैलरी आनी शुरू हो, या अब जब आप एक पार्टनर हैं जहाँ आपको खुद एक टीम मैनेज करनी पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल दौर कौन सा रहता है? दोनों में अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस होते हैं. आई थिंक व्हेन यू आर अ जूनियर यू आर बिल्कुल कंफ्यूज है. आप एक आपको बस समुद्र में डाल दिया गया है और आपको तैर के अपना कुछ बनाना है उस समुद्र में, तो बहुत स्ट्रेस होता है. और फिर आप उस टाइम पे एज अ जूनियर लॉयर यू आर लुकिंग एट योर कॉलीग्स, योर कंटेम्प्रेरीज, अरे वो इतने अच्छे करे, वो वहां करे, वो उनका वहां पे इतना पे पैकेज है, वो ये करे, तो उस तरह के बहुत स्ट्रेसेस होते हैं कि अरे यू नो आई एम आई इन द राइट प्रोफेशन, एम आई डूइंग वेल. सेल्फ डाउट होता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो होता है सबको होता है आई एम श्योर, कि इज दिस द राइट प्रोफेशन, विल आई मेक अ मार्क, विल आई डू वेल. उस टाइम पे उस तरह के स्ट्रेसेस होते हैं. इट्स अ वेरी स्मॉल काइंड, यू नो योर इन योर ओन वर्ल्ड, दैट इज अ बिग स्ट्रेस. As a partner, again, there are different kinds of stresses. Now you have done something and you have to, वो जो आपकी 13 साल का experience है, वो आपको utilize करना है. Client expectations को manage करना है, because now you're not a junior, you're a partner. आप ये नहीं बोल सकते गलती हो गई या कुछ हो गया. आपकी जो juniors को manage करना है, junior की कोई गलती है, you have to absorb it in yourself. You cannot say कि team ने गलती कर दी. क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस होती है, डेडलाइंस मैच करना करनी होती है एक फर्म में, देन यू हैव टू सी योर बिल्डिंग्स आर अप टू डेट एंड योर स्ट्रेटजीज आर करेक्ट, एवरीथिंग इज यू आर नॉट यू नो यू आर गिविंग द राइट एडवाइस टू द क्लाइंट, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, डिस्कस, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो आई थिंक बोथ द रोल्स हैव देयर ओन काइंड ऑफ प्रेशर्स एंड दे आर एंजॉयबल इन देयर ओन सेंस. एज अ जूनियर यू आर बिंदास, यू आर डूइंग एवरीथिंग, यू हैव द लिबर्टी टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. But I think as you grow in the profession, that scope of making mistakes reduces. But it's still there because as a lawyer, we're always learning. Hum hamesha hi seekh rahe hote hain. So, theek hai, you can't put so much pressure on yourself also. Galtiyan kar kar ke seekh rahe. But scope thoda kam ho jata hai, kyunki stakes bahut badi hoti hai, high stakes hota hai. You can't afford to make those mistakes in big matters. Ji. So, तो मतलब पैसा हो तो परेशानी, ना हो तो परेशानी, तो मतलब सारी परेशानी जब पैसा ही है तो ये दर्शकों को पता होनी चाहिए बात कि जब तक पैसा नहीं होता तो आपको लगता है यार पैसा नहीं है, और जब बहुत आने लगता है, जैसे कि फर्म के पार्टनर्स कमाते ही हमारे देश में, वो भी परेशानी का होता है, जैसे उन्होंने बोला स्कोप ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है. एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है, जैसे आपने बताया जब आपने अपना करियर भी शुरू किया तो आप मल्टीपल फोरम्स जा रही थी, बहुत भागदौड़ होती है, वन हेल्थ स्टूडेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जाहिर सी बात है ऐसा, जब आपने अपना करियर कछवा में भी शुरू किया होगा, वहाँ पे भी रनिंग अराउंड रही होगी, उस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊँगा. लेकिन अब हम संक्रमण के दौर पर हैं, हमने देखा कि वर्चुअल हेयरिंग हमारे देश में अडॉप्ट की गई हैं, आप इतनी बिग टिकट आर्बिट्रेशन भी करती हैं, बोथ डोमेस्टिक इंटरनेशनल, तो क्या लगता है आपको कि हमारे देश में जो हमने 2 साल में देखा है, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ हुआ है, जो शुरुआत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको शुरू किया, हाई कोर्ट ने इसको अडॉप्ट किया,
आर्बिट्रेशन में भी चीज देखने को मिल रही है. तो गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि शुड वी जस्ट डू अवे विद फिजिकल हियरिंग्स और शुड देयर बी अ मिक्स ऑफ हाइब्रिड हियरिंग कि पार्ट फिजिकल एंड पार्ट वर्चुअल. और क्योंकि मैं इसलिए भी सवाल कर रहा हूँ बिकॉज यू आर ऑल्सो लिटिगेटर, आई एम ऑल्सो लिटिगेटर. कई बार देखते हैं कि मान लीजिए मिसलेनियस मैटर कोर्ट में लगा, पता चला जी जज साहब छुट्टी पे, आपने बोला कि बहुत मेहनत करके हम गए, जज साहब छुट्टी पे आ गए, मिसलेनियस एप्लीकेशन का था, मैटर पास हो गया, आपका पूरा दिन बर्बाद चल जाता, इसमें आप कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकते थे. तो वर्चुअल हियरिंग्स का मैं थोड़ा सा आपके आपसे सवाल करूंगा एंड इसके बाद मैं फिर आपकी कछुआ की जर्नी पर आऊँगा. So my question right now is that what is the way forward? Is it physical जी or is it वर्चुअल hybrid एंड or व्हाट डू यू थिंक वुड बी बेटर फॉर द प्रोफेशन इन जनरल? जी without a doubt hybrid. Hybrid is the way to go forward. I wouldn't say let's do away with physical hearing क्योंकि बहुत बार हियरिंग इम्पोर्टेंट होती है. जैसे अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट फाइनल हियरिंग पे है या कोई बहुत इशू टेक्निकल इशू है जो आप जज को समझाना चाहते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड है, बहुत बार वो शायद हाइब्रिड से वर्चुअल से उतना इफेक्टिव ना हो पाए. इफ फॉर दोज काइंड ऑफ हियरिंग वी शुड डेफिनेटली हैव फिजिकल हियरिंग. बट मेजोरिटी ऑफ द हियरिंग जैसे मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है या प्रोसीजरल डायरेक्शन जब कोर्ट में पास होनी होती है, उनके लिए वर्चुअल इज द मोड बिकॉज इट सेव्स टाइम, इट सेव्स कॉस्ट. सबका टाइम बचता है, सबके सबके कॉस्ट बचते हैं, और जो ऑर्डर होना होता है वो ऑर्डर मिल जाता है. छोटा सा पॉइंट होता है दैट कैन बी एंड वी हैव सीन इन द पास्ट 2 ईयर, मतलब बड़े बड़े मैटर्स हमने तो आर्बिट्रेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन भी वर्चुअल से की हुई है. तो ऐसा नहीं है वो नहीं हो सकते, हो सकता है. तो बट हैविंग सेड दैट एट द सेम टाइम वी शुड हैव सिस्टम वेयर फॉर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फुल आर्ग्यूमेंट व्हेन देयर इज सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बी डिसाइडेड, फॉर दोज इश्यूज ऑफकोर्स वी शुड हैव अ फिजिकल हियरिंग. जैसे जब ये पैंडेमिक खत्म होगा आई थिंक हाइब्रिड इज द वे टू गो फॉरवर्ड फॉर द कोर्ट. एंड आर्बिट्रेशन में तो It's been in so I do international commercial arbitrations and I do domestic arbitrations. So international commercial arbitrations mein to even before the pandemic, jo only for the final hearings, the main hearings, you would finally meet the tribunal. Baki sari hearings because wahan pe the tribunal is in 3 different jurisdictions. Jaise koi Singapore mein baitha hai, koi Australia mein baitha hai, koi London mein baitha hai. दो लॉयर्स है, कोई एक लॉयर इंडिया का है, एक लॉयर कहीं लंदन में बैठा है. तो इतने डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन से लोग हैं, तो उनको एक पॉइंट पे आकर मिलना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज सबको अपना शेड्यूल देखना पड़ता है, कॉस्ट आर इन्वॉल्व, टाइम इज इन्वॉल्व. सो दोज वर एनी वे हैपनिंग थ्रू आइदर ऑडियो और थ्रू वीसी हियरिंग. द टाइम वेन द ट्राइब्यूनल विद असेंबल इज जब फाइनल हियरिंग होती थी, क्रॉस एग्जामिनेशन होती थी, जो मैटर की 1 साल या 2 साल हो जाने के बाद फाइनली हम ट्राइब्यूनल से मिलते मिलते थे आईसीए में, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से. तो अब वो कंटिन्यू कर रहा है, अब तो फाइनल हियरिंग भी वीसी से ही हो रही है एंड दैट इज वेरी गुड इन आर्बिट्रेशन बिकॉज एक जैसे इनर्शिया होता है ना, एवरीवन न्यू कि हाँ हमें यही करना चाहिए पर उस तरफ किससे वो हम स्टेप ले नहीं रहे थे. बट नाउ व्हेन पीपल आर सीन कि हाँ ये वर्क करता है और ये अच्छी तरह वर्क करेगा, सो ऑब्वियसली नाउ देयर इज अ माइंडसेट कि हाँ वर्चुअल इज द वे टू गो फॉरवर्ड विज़ोवी आर्बिट्रेशन हियरिंग. सेम इन डोमेस्टिक हियरिंग, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि रोज हम नीति बाग जाते हैं या कई होटल्स में हियरिंग करते हैं, रोज 5 बजे चले गए. कभी एट दैट टाइम किसी ने सोचा नहीं है कि हाँ हम वीसी से हियरिंग कर सकते हैं, जो रिटायर्ड जजेस है जो हमें फेस टू फेस मिलते हैं वो वीसी से भी हियरिंग कर सकते हैं. सो नाउ द माइंड सेट इज मोर टुवर्ड्स हाइब्रिड टुवर्ड्स वर्चुअल हियरिंग. एंड आई शुड कमेंड एवरी वन, द जजेस, द लॉयर्स, द क्लाइंट्स, एवरी वन हैज रियली अडेप्टेड वेरी वेल टू द सिस्टम एंड नो कंप्लेन्ट्स एट ऑल. So I think vis-a-vis court, hybrid is the way, and vis-a-vis arbitrations, I think majority in international commercial arbitrations, we were anyway doing VCs, and it was only later towards the later for final arguments you were meeting physically, but I think that can also be managed through VCs, and similarly for domestic arbitration. जी जी
बड़ा अच्छा आपने बताया कि हाइब्रिड इज द वे टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि वी कैन नॉट डू अवे विद द इंस्टीट्यूशन विच आर ऑलरेडी इन प्लेस। कई मैटर्स होते हैं जो सिर्फ फिजिकल, शायद जरूरत पड़े भी हमारे देश में उसकी, पर आई थिंक इट्स ऑन गोइंग थॉट प्रोसेस, यू नो, विद ऑल द स्टेक होल्डर्स वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन विच इज़ रोबस्ट एंड विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग सभी के लिए। इसके बाद मैं आना चाहूँगा आपकी कछवाहा की जर्नी पे। मेरे दो तीन सवाल हैं आपके, बड़े बेसिक। एक तो प्रोग्रेशन कैसे होता है किसी भी वकील का जब वो स्टार्ट करता है, और जब आपने स्विच किया वो क्या वजह रही कि आप एक डिस्प्यूट चेंबर से उठ के एक हार्डकोर आर्बिट्रेशन चेंबर में आप स्विच कर रही थी, और फ्रॉम अ यंग लॉयर नाउ टू बिकमिंग अ पार्टनर, कैसे रहे ये आपके लिए यस ट्रांसफॉर्मेटिव? और जैसा कि अभी आपने बताया कि योर फर्म फोकसेस एंड योर प्रैक्टिस फोकसेस ऑन द एरिया ऑफ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, उसको थोड़ा सा सरल शब्दों में, क्योंकि कई हमारे दर्शक हो सकते हैं, हो सकता है वकील ना हो, हो सकता है यंग स्टूडेंट्स हों, उनकी समझ के लिए, मेरी भी समझ के लिए थोड़ा सा आसानी समझाइएगा कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होती है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होती हैं, कैसे हम इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो फिर आप कछवाहा की जर्नी से शुरू करते करते इसको उसके साथ लिंक कर सकते हैं। रीमा मैम के साथ आई वर्क फॉर 1.5 ईयर, फिर जो जितना मैटर ये सब सीखा मिलता है, नाउ लाइक अब हो गया, नाउ आई वांट टू शिफ्ट टू अ फर्म। और मैंने पहले ही लॉ स्कूल में कछवाहा में 4 मंथ्स की इंटर्नशिप की हुई थी, बिकॉज आई वर्क विद लॉट ऑफ फर्म, और कछवाहा में भी क्या था 3 मंथ्स की इंटर्नशिप हमारे कॉलेज से करनी थी, तो उन्हें मेरा काम उस टाइम बहुत पसंद आया था, और उन्होंने कहा था कि जब भी आपको वापस आना है तो यू नो दे हैड ऑफर्ड मी अ पीपीओ कि आप आ जाइए। आई सेड ठीक है, फिर देन आई वर्क फॉर 1.5 ईयर्स, फिर मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई फर्म, आई वॉन्ट टू नाउ स्टार्ट फर्म प्रैक्टिस टू बी एक्सपीरियंस दैट, और लकीली थिंग्स वर्क आउट, आई ज्वाइंड कछवाहा बैक, and I think that was the best decision professionally. It was I joined at the right time because जैसे हमारी firm boutique arbitration matters करती है, और बहुत high stake matters होते हैं, और उस advantage क्या हुआ firm, if I can explain the firm structure for because it's not like any other firm, हमारे we don't have a team set up in the firm. We have, and when I had joined, we had 3 partners. So I was not reporting to a team. I was reporting to all 3 partners at one point of time. So uski bahut advantages thi. I already had 1.5 years experience. Aur tino partners ke saath main directly deal kari thi. And they were not like 2 years or 3 years senior to me. They were 30 years, 20 years senior to me. So imagine you just walking into the managing partner's room and saying, excuse me, sir, I have this down. And he would just mention Mr. Sumit Kachwaha, I'm talking about my managing partner, and Mr. Ashok Sagar and Mr. Dharmendra Rauting. So they would invest in their juniors, mentor them, and there was never a hierarchy ki aap pehle senior ke paas jaiye, phir junior partner ke paas, or phir seedhe, you can just walk, and you're working with them directly on that file, on that matter. So if you have any doubts, you would just go up to him. And so ye doubt. And even as an intern, I remember we were doing my many high stake matters. So I'd involved me in the matter. So हमारे firm में ना रोज 9:30 बजे team meeting होती थी कि सारे partners और juniors मिलके 10-15 minutes they spent together and they will say कि अच्छा ये matters है, इसमें ये strategy हम कर रहे हैं, brainstorming. So I as an intern was called into those meetings. My boss said कि आप भी आइए और अपना input दीजिए. So when all the discussion would happen and he would tell me, Ankit, you have any input? And I would say, sir, aise aise, and then, you know, they would make note of it. So very encouraging, even as an intern. And they would never say, no, I don't have time, ab jaiye. So that was an amazing learning there. They never discourage you from questioning. Second, because all of them were doing different kind of work, so wahan pe bhi bahut varied learning hui. Did some criminal matter, did some IP matter, did some ट्रेडमार्क्स मैटर, सब तरह के मैटर किए, क्योंकि यू वर नॉट वर्किंग विद एनी वन पार्टनर, यू वर वर्किंग विद एवरी वन. तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस भी मिला, टिल यू फाइनली डिसाइडेड कि हाँ ठीक है अब आर्बिट्रेशन ही करे, तो आर्बिट्रेशन में ही फिर आगे बढ़ गए. एंड द थर्ड थिंग वॉज कि गोइंग फ्रॉम अ हाई कोर्ट चेंबर टू अ बुटीक फर्म, द स्टेक्स, द काइंड ऑफ मैटर्स यू आर डीलिंग विद are very high stake. So you every it's not like that they give you
यू वर गिवन 10 फाइल्स एंड अच्छा इस पे नोट बना लो, इस पे नोट बना लो, यू वर गिवन 1 फाइल, ये आपका मैटर है, आप इस पे काम करो. सो इट वॉज इन लाइक अ प्रोजेक्ट. सो आई हैड ही वॉज द क्लाइंट वॉज माई क्लाइंट एंड आई हैड टू डील विद द मैटर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ डेट, रिसर्च, वट एवर, एंड आई वॉज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द पार्टनर. सो इट वॉज इन सम मैटर्स इट वॉज जस्ट टू पीपल, मी एंड द सीनियर पार्टनर हु वाज 30 इयर्स माई सीनियर. सो that that kind of exposure I got, and they what happened in the process was that I learned how to approach a file, how to approach the facts, how to approach the law, and how to work and how to synchronize everything together to prepare a detailed solution for the client and how to approach it. So I learned a lot. A lot of mentoring happened. This was as a junior counsel. Gradually firm mein, when you become senior, तो आपका रोल भी इंक्रीज हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. तो धीरे धीरे इंटर्न्स को ट्रेन करने की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, बिकॉज बहुत सारी इंटर्नशिप एप्लीकेशन आती थी. सो आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ दैट ओके फाइन, लेट लॉ स्टूडेंट्स कम एंड वील ट्रेन देम. सो द फर्म एज अ फर्म दिस समथिंग विच माई केम फ्रॉम माई सीनियर पार्टनर दैट you should never let an intern waste his time, because a lot of times, you know, people, students come for internships and they say, "Arey, internship se we'll get a certificate, it's okay." So we also tell the interns that you are investing your time, your money, you're coming to another state, aap sab apna apne family ke saath jo ye aap ek mahina reh sakte ho, aap nahi rehte ho aur aap internship karte ho, so aap आपकी भी ड्यूटी है इसमें अपना 100% देना, और हमारी भी ड्यूटी है 110% देना कि आप इस इंटर्न सीखो. तो हम इंटर्न को हमेशा ऐसे अप्रोच करते थे कि अगर कोई आया है उसको हम काम दे, काम सिखाए कि अच्छा ये प्रपोजिशन है आपने क्या बनाया, और उसका काम चेक करें, उसको गाइडेंस दे. कभी इवन इन इन द मिडस्ट ऑफ लाइक टफेस्ट ऑफ डेडलाइंस वी वुड नेवर टेल द इंटर्न बाद में आना, बाद में आना. इट वुड ऑलवेज बी ठीक है सेट, अच्छा ये है और दिस इज the thing. So that as a firm we have followed the policy in terms of training. Then some other initiatives firm mein liye maine, jaise FPI moot shuru kiya humne, because that was an attempt to encourage students, and it was also a way of letting young lawyers who had been mooters to judge students. And ek hamara essay writing competition humne shuru kiya on arbitration, because we thought that there is some gap, because people have now, students have not they don't enjoy writing that much, so we have to encourage students to write, and they can write only if they read. So this was our so we started an annual writing competition on arbitration, which is now in its 8th edition. We started, so usme humne students ko encourage kiya ki aap aao aur likho, and we gave very good prizes, like 1 lakh was for the first prize entry, and then like that 50,000, 25,000, like encouraging them to write and in on arbitrations read up. So that was an effort. Or abhi jab over the years there's been so many interns, so many students who've interned with us, jo aap they are in different parts of the world, and they've settled well, they're doing so well, and they always come back to you saying that, you know, you taught us this, we really enjoyed the internship in Kachwa. So you feel nice that okay, that's your small contribution you've made to the profession, so you feel nice about it. A lot of interns got PPOs with us, they became, so a lot of them worked with us, junior associates, now they're settled elsewhere. So it's always nice to, you know, you feel old also, but at the same time you feel okay, you've done your, you're doing your little bit to the contribution. Yeah, बुजुर्गियत का एहसास बहुत जल्दी दिला देते हैं बच्चे. हाँ, बहुत बहुत जल्दी, बिल्कुल. फिर फर्म में काम किया, फिर at in 2019 I was made a partner. So after spending certain amount of time in the firm, I was फिर I had just gone back to office from my maternity break, and say partner bane, partner mein different kind of responsibilities thi, but I think for me personally the transition wasn't so much in 2019, or that I suddenly from an associate I've become a partner,
the transition happened over the years because I was the senior most junior in the office always. So while I was a junior, I was handling a lot of things. I was handling work, I was handling internships, I was handling the mood, I was handling the Arb Excel. I was going out for conferences, representing the firm. So for me, it wasn't like, okay, it's a jump. It was a gradual process and I was always doing a lot. And then finally, 2019 was like, okay, your partner. But I was doing, so it was very gradual. It wasn't immediate transition. And after becoming a partner, then of course your responsibilities increase. You have to manage your team. You have to take care of client expectations, deadlines, billing. So many things have to be taken care of. And at the same time, you are handling everybody. Ji. Yeah, exactly. And that's right. Managing work, then managing office. For example, in the pandemic, so it was a big change for us. You know, suddenly we'll all be working offline. So with the junior team, it was fine. Okay, they'll be working offline. But then suddenly, how do we train the paralegal staff? Because if they want us, how do we train them? Train them? So that was a challenge. कि आप उनको train करिए कि आप सारा कैसे कैसे files को रखेंगे, कोई files आएगी, how do you scan it, how do you bookmark it. So teaching them all these things during the pandemic. So it, as a junior lawyer, no one is अच्छा ठीक है हो जाएगा. But as a partner, you have to manage those things also. So very small things, but very essential and important to run the firm. So different challenges आते हैं और फिर हम deal करते हैं. तो ये सब दर्शकों को बता दें कि अगर आप पहले तो आर्बिट्रेशन करना चाहें ज़रूर करें, और अगर आप पार्टनर बनना चाहें तो इतना आसान होता नहीं जैसे कि अंकित जी ने आपको बता दिया कि आपको लोगों को भी ट्रेन करना है, इंटर्न्स को भी गाइड करना है, बिलिंग्स भी संभालनी है, और क्या कहते हैं क्लाइंट्स के लिए तो काम करना ही रहता है, और जजेस के सामने भी जाके बहस करनी होती है, तो और उसके साथ बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग मदर, आपको अपने बच्चों को भी संभालना है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं. इट्स नॉट ईजी बींग अ लॉयर एंड देन बिकमिंग अ पार्टनर लॉ फर्म. जितना वो ग्लोरीफाइड सूट्स वगैरह में दिखा देते उतना है नहीं. तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूँ ताकि शक की गुंजाइश ना रहे और आप बाद में ये ना कहें कि आपने बताया नहीं. देखिए कि पार्टनर बन के लाइफ और मुश्किल हो जाती है. हाँ, ग्लोरीफाइड जरूर होती है लेकिन उतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग भी हो जाती है. But having said that, this brings to my next phase, जो मैंने आपसे domestic और international arbitration की बात की, क्योंकि आपका expertise है इसमें, थोड़ा हमारे audience को थोड़ा एकदम simple भाषा में पहले तो बताएं कि क्या है domestic arbitration, क्या है international arbitration, क्या वजह रही कि इंडिया में इसको introduce किया गया, और साथ ही साथ आपने कैसे देखा इतने सालों में पिछले 10-15 years की jurisprudence कैसे कैसे evolve हुई है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ. To put it simply, domestic arbitration में दो इंडियन पार्टीज है, they decide to arbitrate, उनका कॉन्ट्रैक्ट है और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम आर्बिट्रेशन करेंगे दिल्ली में अंडर रूल आइदर एड हॉक या अंडर इंडियन आर्बिट्रल रूल्स, कोई भी जैसे ICA है, MCIA है, हम बिटवीन टू इंडियन पार्टीज, दैट इज योर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है जब एक पार्टी फॉरेन पार्टी होती है और एक पार्टी इंडियन पार्टी होती है. दैट कैन बी आइदर इन इंडिया, इट कैन बी सीटेड इन इंडिया और इट कैन बी आउटसाइड ऑल्सो. यूजली इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट, जैसे सीएक है, ICC है, LCIA है, दे ऑल इंटरनेशनल रिप्यूटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट जो यूजली ICA इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन गवर्न करती है. दोनों में I have appeared in both और काफी फर्क है दोनों में. If I talk about ICA international commercial arbitration, मैंने explain कर ही दिया. वहाँ पे आपके usually जो बहुत high, जैसे you know it's the matters are very high stake, big companies, thousands of crores is what is involved. The arbitrators are usually all foreign nationals or they can be retired judges, but in different jurisdictions. और आपके लॉयर्स भी एक, अगर इंडियन पार्टी ने इंडियन लॉयर रखा तो इंडियन लॉयर हो गया, वरना दूसरी पार्टी ने सिंगापुर के लॉयर रखती है और डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिस्डिक्शन में रहते हैं. उनका स्टाइल ऑफ प्लीडिंग डिफरेंट होता है. जैसे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में तो आपने इट्स यूजली बिफोर रिटायर्ड जजेस, either ad hoc or governed by some arbitral institute in India, but majority of them are ad hoc. And the judges decide the procedure of their own cases. So, but they usually aap ek statement of claim file kar denge, defense,
फिर आपका जो भी रिजॉइंडर है आपका एविडेंस हो जाएगा और आपके फाइनल आर्गुमेंट्स हो जाएंगे, और वो सब बीच में क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, वो सब डोमेस्टिक में दे फॉलो दैट प्रोसीजर. उसमें व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज दैट बहुत टाइम लग जाता है. जैसे कोई पार्टी बोल लाइक यू आर सब कंप्लीटिंग योर प्लीडिंग्स, तो आप एक्सटेंशन लेते हैं और एक्सटेंशन लेते हैं, टाइम बहुत लगता है. देर इज नो यू नो फिक्स प्रोसीजर कि हाँ आपको क्रॉस एग्जामिनेशन एक दिन में करनी है या दो दिन में करनी है, यू हैव टू फिनिश इट. एक हमारा मैटर है उसमें 3 साल से क्रॉस एग्जामिनेशन चले जा रही है, दूसरा साइड क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, जजेस आर नॉट ऑब्जेक्टिंग. तो वहां पे ऑफकोर्स सम जजेस आर वेरी गुड, दे कंडक्ट देयर आर्बिट्रेशन एंड दे डिसाइड इट वेरी वेल, बट डिपेंड करता है फिर आप कौन से जज के सामने आपकी आर्बिट्रेशन है. और कंपेयर टू एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, बिकॉज इट्स गवर्न बाय एन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट, सो द टाइमलाइंस आर वेरी स्ट्रिक्ट. यू हैव टू द रूल्स आर देयर, सो आपको इतने दिन में आपका फाइलिंग करनी है, इतने दिन में ऐसे होगा. और स्टार्ट ही जब आर्बिट्रेशन शुरू होती है, द ट्राइब्यूनल कम्स अप विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड अ प्रोसीजरल ऑर्डर, कि ये प्रोसीजरल ऑर्डर है विच इज विद कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, और आपको इतने दिन में ये आपका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का मेमोरियल फाइल करना है, इतने दिन में डिफेंस का फाइल करना है, इतने दिन में आपका जो रिप्लाईज होगा, और एंड एवरीथिंग इज वाया ई मेल. देर इज नो पर्सनल मीटिंग. द ओनली टाइम यू हैव अ हियरिंग विल बी आइदर थ्रू फोन और थ्रू वीसी इफ देर इज सम इंटरिम एप्लीकेशन टू बी डिसाइडेड. एंड देन फाइनली यू हैव देर गिव यू अ टाइम टेबल ऑफ आफ्टर 2 ईयर्स और यू हैव द एंड ऑफ 1 ईयर सेइंग दैट ओके आई एम गिविंग यू 10 डेज एंड दीज आर योर 10 डेज, दिस इज वेन वी विल असेंबल एंड दिस इज वेन यू विल डू द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड दिस इज वेन यू विल डू द ओरल सबमिशन. एंड इट्स नॉट लाइक आप 10 दिन क्रॉस करो, ऐसे होता है. Day 1 हाफ ओपनिंग सबमिशन बाय क्लेमेंट, हाफ एन आवर ओपनिंग सबमिशन बाय रिस्पॉन्डेंट, 2 hours क्रॉस एग्जामिनेशन, 3 hours क्लोजिंग सबमिशन. सो द टाइम लाइन्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू हैव टू फॉलो दोज टाइम लाइन. आफ्टर हाफ एन आवर दे विल आस्क द काउंसिल टू सबमिट हो गया, एंड दे आर वेरी लर्नड पीपल, टेक्निकली साउंड एंड and the difference I see in both is that the level of preparation, if you are appearing before an international tribunal, the tribunal, all 3 members would have already read the file, understood the fact, sab kuch unko sab kuch malum hota hai, sab pehle se hi padh ke aate hain, unko already pata hota hai, and they just want some assistance from the counsel. The level of preparation of the tribunal or as of a lawyer bahut bahut high hoti hai. डोमेस्टिक में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता बिकॉज मे बी जजेस को उतना टाइम नहीं होता है, और लॉयर्स द प्रॉब्लम इन इंडिया इज वन प्रॉब्लम इन इंडिया विच आई थिंक दैट वी डोंट हैव एक डेडिकेटेड आर्बिट्रेशन बार नहीं है हमारे पास. तो जैसे हम आर्बिट्रेशन भी करते हैं, जैसे कोई वकील सुबह 10 से 4 कोर्ट में है और 5 से 9 फिर आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, तो वो कितना टाइम दे पाएगा अपनी ब्रीफ को, कितना इन्वेस्ट कर पाएगा, तो उसकी प्रेपरेशन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए अगर वो 10 से 4 फ्री होकर अपने ऑफिस में उस ब्रीफ पे पढ़ता. तो वो प्रॉब्लम होती है, और दैट प्रेपरेशन लेवल इज नॉट देयर इन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. दैट इज प्रैक्टिकली वन ऑफ द इश्यूज विच कम टू माइंड इमिजिएटली. But now, obviously, you know, it's been in, everyone knows that recently since the government has been taking a lot of efforts to make India a good center of arbitration. I remember, I think I was attending some conference, which Justice Nariman was talking, and he said that if I have to explain the jurisprudence of arbitration in one word, it is like it has been following a crab-like speed. Sometimes backwards, sometimes forward, sometimes sideways. So, बस 94 से रेणु सागर से हम आगे पीछे चले ही जा रहे हैं, लेकिन अब 2015 amendments से now the government has taken you know it's taking lot of initiatives. Imagine इतने 6 सालों में 3 amendments आ गए. 2015 we had amendments which made sweeping changes in the act. One of the most important change according to me was पहले क्या होता था कि जैसे ही आप एक 34 फाइल कर देते थे, 34 वुड बी इज एन एप्लीकेशन चैलेंजिंग एन आर्बिट्रल अवार्ड, जैसे ही आप कोर्ट में फाइल कर देते तो आपको स्टे मिल जाता था कि चलिए स्टे. और इंडिया में तो कोई ट्रिक्स की कमी नहीं है मैटर को लटकाने लटकाए रखने की भी कोई कमी नहीं है कि कोर्ट में कब तक मैटर चलेगा. हाँ एग्जैक्टली, वो बस आप
फाइल कर दो, एंड इवन एज अ रिस्पोंडेंट काउंसिल हम एडवाइस करेंगे फाइल कर दो, फिर लटकने लटके रहेगा. सो थैंकफुली दैट हैज बीन डन अवे विद, देयर इज नो ऑटोमेटिक स्टे. तो अब अंडर 37 आपको एक, अगर स्टे, पहले तो स्टे के ग्राउंड भी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए, इंटरवेंशन के ग्राउंड बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए, जो अमेंडमेंट्स ने किया तो किया, लेकिन जहां जहां लूपहोल्स रहे, ठीक है, ऑफकोर्स द इंटेंशन वॉज देयर, पर हर चीज परफेक्ट नहीं होती. जस्टिस नारिमन ने पिछले 7 सालों में इंडिया को इतना प्रो आर्बिट्रेशन बना दिया और इतने मार्क पे ला दिया, आई मीन इट्स कमेंडेबल. आई मीन इंडिया हैज सो मच टू थैंक हिम फॉर, ही विद हिज जजमेंट, द सैंगयोंग जजमेंट, ही इज जस्ट, एंड एवरी इशू ही डिसाइडेड प्रो आर्बिट्रेशन. इन फैक्ट इन द रिसेंट पास्ट इट इज 80 to 90 judgments on arbitration, he's been the author. So in the past 7 years, it has been a we've really got pro arbitration as a jurisdiction, so which is good. But of course, there we have to take a lot of other steps also, because effective implementation bhi honi chahiye aage. So the efforts are there, और आपका और क्या सवाल था? जी, मेरा ये सवाल और है कि जस्टिस नारिमन तो अभी हाल ही में रिटायर भी हैं, और जैसा आपने बहुत सही कहा कि तकरीबन 80 से भी ऊपर के जजमेंट्स को उन्होंने ऑथर किया, बहुत जुरिसप्रूडेंस इवॉल्व हुई, आर्बिट्रेशन के अमेंडमेंट्स सरकार ने, मेरे ख्याल से पिछले 6 सालों में 3 नए अमेंडमेंट्स हमने देखे आते हुए. टाइम बाउंड कर दिया गया आर्बिट्रेशन को, पहले जो सालों साल चलती थी, अब कहते हैं शायद 1 साल के अंदर आप कंक्लूड कीजिए, शायद 90 डेज का ग्रेस पीरियड उसमें दिया जाता है, ये सब है. और लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार का एक संकल्प रहता है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए इंडिया में. अब आप तो डोमेस्टिक क्लाइंट्स को भी केटर कर रही हैं, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी केटर कर रही हैं, पर हर क्लाइंट जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा घबराता है इंडिया में लिटिगेशन करने से. आर्बिट्रेशन में नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी कहीं अगर अवार्ड चैलेंज हो जाए, सिर्फ एडजर्नमेंट ही मिल जाए, जैसे आपने देखा है कि पिछले जो 2 साल का जो हमारा पैंडेमिक का दौर रहा, डॉकेट एक्सप्लोजन तो था ही देश में, कोर्ट्स ने किस तरीके से, कोर्ट्स का सेटबैक हमने देखा है पैंडेमिक के टाइम पर, सिर्फ इमरजेंसी हियरिंग हो रही है. और इस चीज़ का फ़र्क और इफेक्ट मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन पे भी पड़ेगा या पड़ा होगा, क्योंकि अगर आज मैं कुछ चैलेंज करता हूँ, चाहे सेक्शन 9 हो, 11 हो, 34 न जाने कोई भी सेक्शन हो, मैं लेके जाऊँ और मान लीजिए मुझे अडजमेंट मिल जाए 3 महीने का, 4 महीने का, तो फिर मैं कहीं ना कहीं मेरा जो बिज़नेस है या जो मेरे बिज़नेस मॉडल है, जो मेरा बिज़नेस मैंडेट है, कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है. तो मैं आपका इसमें एक मत जानना चाहता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है किसी भी क्लाइंट के लिए, बिना लिटिगेशन से डरे हुए, कोर्ट मॉडल से डरे हुए, और आर्बिट्रेशन जो हमारे एक ऑल्टरनेट मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जिसका पूरा जो मैं कहूँगा अपब्रिंगिंग हुई हमारे देश में, इसलिए हुई है टू मेक बिजनेस इजी फॉर पीपल, टू इंश्योर कि लोगों का बिलीफ बने हमारे जुडिशियल सिस्टम में, क्योंकि आर्बिट्रेशन को आता जुडिशियल कहें तो जुडिशियल का ही पार्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अवार्ड को चैलेंज कर दिया जाता है. तो आपके हिसाब से ऐसी क्या प्रैक्टिकल ट्रिक्स या टिप्स होनी चाहिए जो कि कोर्ट्स को भी अडॉप्ट करनी चाहिए, सरकार को, हो सकता है आपको, आप तो इतना बारीकी से आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ती हैं, जो आपको लगता है कुछ और अमेंडमेंट्स हम ला सकते हैं एक्ट में, ऐसे मैं कुछ आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहूँगा फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया वीज़ा-वी आर्बिट्रेशन. इसमें आई डील विद योर क्वेश्चन इन टू पार्ट्स. एक तो अभी ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि कोर्ट में हियरिंग्स नहीं हो रही है, मैटर्स डिले हो रहे हैं, पर I put that on a different footing, because that is not because the court doesn't have an intention to do it. It's because we are in a pandemic. And this pandemic is not just here, this is a pandemic all over the world. So, every place is slow. Ho gaya hai. So, if our court matters are not able to take any reason, or 6 months adjournment, there is an extremely urgent matters. I mean, that is not on the same level as the approach of the court towards arbitration generally. So, but hopefully the pandemic will go away soon, or then we'll see the courts in full vigor at it, and not just taking urgent matters, har tarah ke matters le rahi hongi, and that's just not in India, that's world over. Now, vis-a-vis how to advise a client, Jayant, honestly, bahut mushkil hota hai. Because I'll tell you a very simple example, because it's fresh. Abhi, there was an arbitration, international commercial arbitration seated in Delhi. I was a fresher in my firm. 2009 mein dispute raise hua tha, 2012 mein arbitration, 2012 mein humne arbitration invoke kari thi, aur 13 mein kuch aise humne award mila tha, 2013 mein India mein, Delhi mein hi hui thi.
2014 में दे द अदर साइड फाइल्ड अ चैलेंज अंडर 34. एक साल में चैलेंज डिसाइड हो गया, वी वर वेरी लकी. और फिर दे फाइल्ड अपील टू द डीबी. वहां पे हम 2020 तक लटके रहे. फ्रॉम 2015 टू 2020 आई वॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल कोल माइनिंग कंपनी ऑस्ट्रेलियन. और वहां पे और अब बिकॉज वी वर वेरी लकी बिकॉज in the db we lost in the db for some reason and then we went up in appeal to the supreme court. We filed our appeal in july or august 2020 and december tak decide ho gayi thi. That is because we were before justice Nariman. So if you if you and then they filed a review and all, then now finally the review has got decided in june this year and now the award has attained finality. So if you look at this journey, this has taken about more than 10 years just to get the award finalized, so to have it to attain finality. But here also we were lucky at two stages, because in the 34 we were before Justice Muralidhar, who decided the matter in 1 year, and then at the Supreme Court stage, because we were before Justice Nariman. At the DB stage we were stuck for 5-6 years. So those stages pe hum lucky the, or in fact three, kyunki hamara tribunal bhi bahut acha tha. To aap soche ki तीन बार तीन जगह हम लकी थे, तब भी हमें 10 साल लग गए मैटर डिसाइड करने में. और अभी तो मैटर डिसाइड हुआ है, अब हमारी असली लड़ाई शुरू हुई है एग्जीक्यूशन की, कि हमें पैसे निकालने हैं. तो मेरा क्लाइंट तो बोल रहा है कि 2009 से आज 2021 हो गया, मैंने तो पैसे की शक्ल तक नहीं देखी. और हम उसको बोल रहे हैं हाँ अभी अवार्ड फाइनल हो गया, बस पैसे आते ही आ ही रहे हैं, आते ही होंगे. सो दीज आर सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वी फॉलो. सो इवन वेन वी टॉक अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ अ फॉरन अवार्ड इन इंडिया, अग्रीड द कोर्ट्स हैव टेकन अ वेरी प्रो इन्फोर्समेंट अप्रोच एंड द ग्राउंड्स आर वेरी डिस्टिंक्टिव. बट एट द एंड ऑफ द डे मैं एक लॉयर हूँ, मेरा क्लाइंट तो मुझे बोलेगा ठीक है आपका लॉ वॉर सब डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पैसे का क्लाइंट दैट इज द क्लाइंट वॉन्ट्स. और उसमें आई थिंक वी रियली हैव टू वर्क हार्ड. We really have to move forward because now we are stuck at the execution stage in enforcement. Again, enforcement kara foreign award ki dusre matter mein, fir you're stuck at the execution. Ek hamara matter tha jisme foreign award tha, we got it enforced. Fir at the execution stage high court mein tha, we were stuck on the issue of TDS ki jo paisa remit hona hai US कंपनी को, एक इंडियन कंपनी को करना था, इट वॉज डैमेजेस, तो उसमें टीडीएस कटेगा कि नहीं. और 3 साल वो उसी इश्यू पे अटका रहा. सो द क्लाइंट डिडंट गेट द मनी फॉर 3 इयर्स क्योंकि द कोर्ट वॉज डिसाइडिंग व्हेदर टीडीएस विल बी डिडक्टेबल ऑन दीज डैमेजेस और नॉट. सो देर इज एवरी स्कोप ऑफ गेटिंग स्टक एट दीज स्मॉल स्मॉल पॉइंट. सो हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज देयर, द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर. But what happens actually, it's not so easy also. 10 saal, 11 saal, तो सबको ही पता है कि हाँ इंडिया में तो पैसा अटक गया तो अटक गया. People sometimes plan fight for principle, कि हाँ नहीं हमें लड़ना है, because we want an order. This is wrong. What has happened is a breach. We want an order to be supported in that. So yes, we are trying to move towards it, but प्रैक्टिकली बहुत अलग तरह के इश्यूज और डिफिकल्टीज होते हैं जो हमें चैलेंज जो हम धीरे धीरे डील करते हैं और चैलेंज करते हैं. तो इंडिया अभी तो है बट इट्स नॉट राइट देयर ऑन द मैप, वी स्टिल हैव टू वर्क हार्ड. जी जी, जैसा आपने एकदम सही बताया कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है. मतलब कहना आसान है कि ईज ऑफ बिजनेस होगा, लेकिन अगर हमारा इस सरकारें या हमारे कोर्ट मिलकर ऐसा काम कर दें जिससे क्लाइंट को परेशानी हो न्याय मिलने में, तो कहीं ना कहीं पीड़ा ज़रूर होती है. और आपने बताया अब एग्जीक्यूशन का स्टेज है, अब एग्जीक्यूशन भी अगर आप डालिएगा और वो अगर अपील हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, तो 10 साल और, फिंगर्स क्रॉस ऐसा ना हो, प्रे टू गॉड, लेकिन आप 10 साल और फंस जाएंगे. ये अपने आप में एक बड़ी दुखद बात भी है, क्योंकि देखिए मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया दुबई में, तो यूएई में एक अपने आप में एक कानून है कि आप जो भी केस करेंगे वहाँ के स्मॉलेस्ट कोर्ट से लेके आएगी इस कोर्ट, तो उसको 3 साल में निपटाया जाएगा. मुझे लगता है हमारी सरकार को कहीं ना कहीं ये निर्णय ले लेना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जुडिशियल स्ट्रक्चर, वो तो है ऑलरेडी इतने सालों से है, रोबस्ट है, जजेस ईमानदारी से काम भी करते हैं अपना, लेकिन एक टाइम बाउंड मैनर में करें उसको, ताकि जो एडजर्नमेंट कल्चर है या जो एक खींचने का कल्चर है दूसरी पार्टी को कोर्ट में, वो ना हो. क्योंकि अगर आप सर्विस अच्छी देंगे तो जाहिर सी बात है
क्लाइंट्स बार बार आते रहेंगे आपके पास, देर विल बी यू नो अ रिकॉल वैल्यू। अब होता है ना कि आप अगर अमेजोन जोमेटो या कोई भी आप चीज़ अच्छी यूज़ करते हैं, आपको सर्विस मिलती है तो उसकी एक रिकॉल वैल्यू होती है, आप बार बार उसको यूज़ करना चाहते हैं, आप कहते हैं हाँ यार मुझे सर्विस अच्छी मिली। तो लेकिन आपके क्लाइंट ने आपसे सही सवाल किया कि भाई मैं 10-11 साल निकाल चुका हूँ इसमें और मेरे हाथ सिफर आए, मतलब अवार्ड सब जीत लिया मैंने, कागज़ तो है पर नोट कहाँ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा मेरा एक छोटा सवाल और है कि जो पूरा मुद्दा आर्बिट्रेशन को लॉन्च करने का था इंडिया में, वो ADR के तहत हुआ, मतलब कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें कि कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन की मुहिम छिड़ी गई हमारे देश में कि भाई एक चीपर ऑल्टरनेट होना चाहिए लिटिगेशन को। लेकिन अब ये देखा जाता है कि इतने सालों में और महंगी हो गई आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन से इनफैक्ट ज़्यादा महंगी हो गई है। तो रिटायर्ड जजेस हों जो एज आर्बिट्रेटर प्रिसाइड करते हैं, या सीनियर एडवोकेट हों डेजिग्नेट हमारे जो कि करते हैं, मैं भी कई आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो इसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ, तो मैं अपने आप को अलग नहीं रखूंगा इससे। लेकिन जो पूरा एक सेटअप था कि एक आर्बिट्रेशन को हम एक चीपर बनाएंगे, रेजोल्यूशन एक इफेक्टिव वो बनाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो हमारी जुडिशरी और हम वकीलों पे आके टिक जाती है। इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि रादर देन बिकमिंग एन चीपर ऑल्टरनेटिव, इट हैज बिकम एन एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव टू लिटिगेशन। आई वुडंट डिसएग्री विद यू, दो आई वुड रियली वांट टू, बट आई कांट डिसएग्री विद यू, क्योंकि वो इनफैक्ट सच्चाई है, ऐसा हो गया आज की डेट में, क्योंकि हाँ ठीक है, हम देना टू पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और बोलते हैं हाँ हम आर्बिट्रेशन करेंगे, द इंटेंशन इज कि ठीक है हम आर्बिट्रेशन करेंगे और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो चलिए 1 साल 2 साल 3 साल में निपट जाएगा। पर अब क्या होता है कि एक आर्बिट्रेशन है, फिर आप एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है, आप आर्बिट्रेशन अवार्ड रेंडर करते हैं, फिर 34 का चैलेंज होता है, फिर 37 होता है, फिर SLP होती है, तो आप उस पूरे सिस्टम में फंसते हैं। बट लाइक ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव्स इन 2015 कि हाँ आप उसको टाइम बाउंड कर देंगे कि आपकी आर्बिट्रेशन इतने टाइम में खत्म होनी चाहिए और आपका 34 इतने टाइम में खत्म होना चाहिए और आप उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स विद कंसेंट यू कैन इंक्रीज द टाइम पीरियड। तो एट सम लेवल द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू पुट अ कैप ऑन द टाइमलाइन व्हिच आई थिंक शुड वर्क, सो दैट इज वन पॉजिटिव डेवलपमेंट व्हिच द गवर्नमेंट हैज मेड। But at the same time, you know, if we don't have an arbitration clause and the parties decide not to arbitrate, then what is their solution? Their solution is to file a civil suit, go to the civil court and try to get their money or recovery or whatever. Now that, there you're definitely stuck for 10 years, if not more. वहाँ पे तो आप बिल्कुल ही फंस गए हैं और वहाँ मतलब मैंने खुद मैटर्स किए हैं वहाँ पे, तो फिर बहुत मुश्किल भी हो जाता है सुनवाई करवाना अपना, कि मैटर सुनिए, जजेस चेंज हो जाते हैं, बहुत बहुत सब चीजें होती हैं। तो उससे बेटर तो इसलिए कमर्शली इट मेक्स मोस्ट सेंस कि आप एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डालिए, तो एटलीस्ट आपको पता है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। और अब द जजमेंट का सच कोर्ट का अप्रोच ऐसा है कि हाँ हम बहुत, अगर एक अवार्ड है तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड में उस पर इंटरफेयर करेंगे, तो आप यू डिसाइडेड इमिजिएटली विद इन 1 ईयर आप खत्म करिए और डिसाइड करिए 37 में इमिजिएटली। सम टाइम्स यू गेट सक्सेसफुल बैड जज और स्लो जज, वो तो दे आर द चैलेंज, दे आर दोज चैलेंजेस जो प्रोफेशन में तो होते हैं। कभी आप लकी आपको बहुत अच्छा जजमेंट किया और उसने आपकी इमिजिएटली सुनवाई भी करी। लेकिन I know arbitration is not as cheap as it should be, but then it is any day a much better alternative than not having an arbitration clause in your agreement. So that it makes much more commercial sense to have the agreement. If there are disputes, then you know what line you have to take. So yes. एकदम, आई थिंक यू स्पोक लाइक अ ट्रू लॉयर, इफ नॉट सेव लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन दिस वे और दैट वे वी स्टिल गेट टू बिल, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। और खासकर मैं समझता हूँ जो एक पूरा डिविएशन हमारे प्रोफेशन में आया लिटिगेशन को लेके, कि पहले बच्चे कॉपरेट की तरफ भागते थे, अब आर्बिट्रेशन की तरफ भागते हैं, तो दोनों ही बड़ी फैंसी जगह हैं। यू स्टिल गेट टू बी इन द बेस्ट ऑफ होटल्स, वेन्यूज बड़े अच्छे होते हैं, तकलीफें थोड़ी सी कम होती हैं, क्योंकि अगर आप एक ट्रायल के वकील से पूछें, मैं कई बार अपने को ट्रायल का वकील भी मानता हूँ, तो हमें बड़ी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्लाइंट कहता है कि क्या आप जगह पे ले आए, लेकिन अगर आप एक आर्बिट्रेशन के साथ करें तो आप बढ़िया होटल में होंगे, खाना पाना बड़ा बढ़िया परोसा जा रहा होगा, तो उसको देख के मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत ग्लैमर बहुत है जैन, लेकिन जितना ग्लैमर है उससे ज्यादा हार्ड वर्क है। जैसे अगर हम 2 दिन हियरिंग के लिए जा रहे हैं, 9 से 5 बजे पूरे पूरे हियरिंग है, तो द मैटर्स आर हाई स्टेक एंड देर आर हंड्रेड ऑफ वॉल्यूम्स विच यू हैव टू रीड, एंड इफ यू हैव टू रीड ईच डॉक्यूमेंट, ऐसी भी बहुत बार होता है कि
जैसे कोर्ट में जाते हैं पेशी करते हैं कि हाँ कुछ होगा नहीं तो ठीक है, यू नो यू जी मैनेज दैट हियरिंग, बट इन आर्बिट्रेशन इफ यू डोंट हैव, इफ यू नॉट रेड अप, यू आर नॉट वेल वन, तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, यू पढ़ना नो तो जज, पड़ेगा ही, बिकॉज देयर ओनली थ्री स्पीकर पीपल, के टाइम पढ़ना पड़ेगा, वो सिर्फ 3 लोग है और दूसरा साइड है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कुछ बोल के बोलो, आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपके देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड इट्स 90% इज योर प्रेपरेशन एंड 10% इज ओनली दोस ग्लैमर हियरिंग, सो दिस इज फॉर ऑल योर व्यूअर्स, तो सिर्फ 10% की ग्लैमर हियरिंग है, 90% पढ़ाई है ये आपने बहुत और अच्छी बात की। मेहनत और है। जो हमारे जी व्यूअर्स जो वकील नहीं है, अब आप समझ सकते हैं कि वकील अपनी बिलिंग जस्टिफाई कैसे करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मेहनत वाकई बहुत है, चाहे आप लिटिगेशन करें चाहे आप आर्बिट्रेशन करें। वाकई बिना दस्तावेज के पढ़े हम बहस नहीं कर सकते, बिना रिसर्च के हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मतलब होगा क्लाइंट को एक तो गुमराह करना, कोर्ट को गुमराह करना, उनको गलत राह दिखाना, उनके साथ इनजस्टिस करना। तो ये आपने बहुत अच्छी बात रखी अंकित वाकई, क्योंकि वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे आर्बिट्रेशन करें आप लिटिगेशन करें, और अगर वो आर्बिट्रेशन लिटिगेशन बन जाती है तो भी उतने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, चाहे आप सीनियर वकील को इंगेज करेक्ट, करें और जज साहब को भी उतने डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमें एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जहाँ जो जो सारे लोग हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे मैं वकील हूँ चाहे आप आर्बिट्रेटर हूँ चाहे जज हूँ, कि इसको टाइम बाउंड कैसे बनाया जाए। आई थिंक द नीड ऑफ द आवर, दैट इज द कॉल फॉर द डे, कि जस्टिस शुड नॉट बी मिस, देर शुड नॉट बी मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए गवर्नमेंट, जुडिशरी, लॉयर्स, आर्बिट्रेटर्स, एवरी स्टेक होल्डर इन द जस्टिस सिस्टम आई थिंक नीड्स टू कम टुगेदर। हैविंग सेड दैट, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका करता हूँ, मैंने आज आपके इतने इंपॉर्टेंट वेलेबल आ लिए हैं, लेकिन नहीं, एज अ फ्रेंड आई कैन से थैंक यू जी थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं, बट जी शो खत्म करने से पहले मैं हमेशा अपने दर्शकों से एक मेरी गुजारिश रहती है कि आप हमारे युवाओं के लिए 2 शब्द कहें, क्लोजिंग कमेंट्स कहें। और युवाओं से मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं है, मेरा मतलब उन लोगों से भी, और यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट। मेरा बस यही बोलूंगी कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो बहुत सारे लोग जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं उनको बहुत बार सेल्फ डाउट होता है कि इज लॉ माई कॉलिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरी वन आउट देयर कि प्रोफेशन एक समुद्र की तरह, इट्स लाइक एन ओशन, इट कैन एब्जॉर्ब एवरीथिंग, आपके लिए प्रोफेशन में जगह है और प्रोफेशन आपको अपने आप में समा लेगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसपे उसको यूज कीजिए और जो आपकी वीकनेसेस है आप उसपे वर्क करिए, एंड देर इज नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क, पढ़ना पड़ेगा, डिलीजेंट रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और जब आप काम करें कभी ये मत सोचे अरे मैं ये काम करा उसका मेरा बेनिफिट क्या है, उस टाइम बेनिफिट शायद नहीं मिले, पर 1 साल बाद 2 साल बाद कभी ना कभी आपको वो आपकी लर्निंग आपकी पढ़ाई आपको जरूर बेनिफिट करेगी, एंड देर इज स्पेस फॉर एवरी वन इन द प्रोफेशन, सो जस्ट आप अपनी कॉलिंग भी देखिए आपकी क्या कॉलिंग है एंड वर्क ऑन इट, बस एंड कीप वर्किंग हार्ड, नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, जी, और यहाँ पे मैं इस दैट्स बात की व्याख्या भी कर दूँगी कि आपने इतनी खूबसूरत बात बताई। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़ी, और खास कर जैसे आपने कहा कि देर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, जस्ट लाइक दैट देर इज नो शॉर्टकट टू बिलिंग। अगर किसी वकील को बिलिंग करनी है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। कई बार हमारे क्लाइंट्स हो सकता है इसको सुन रहे हो या बाद में सुने, उनके लिए भी मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है वकीलों का काम बहुत आसान है तो आर यू मिस्टेकन। हम लोग का वाकई काम बहुत जोखिम भरा भी है, जटिल भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि इतनी चीज़ों को समझना जो सरकार के अपने खुद के दाव पेच हैं, इतने कानून हैं इस देश में, उनको समझना, जिस बिजनेस डील से आप गुजर रहे हैं, जिस तरह की परेशानी आप जूझ रहे हो, सकता है कॉन्ट्रैक्ट किसी और वकील ने आपका ड्राफ्ट किया हो सकता है आपने वकीलों को हटा के खुद ही ड्राफ्ट कर लिया, और उसमें कितनी गलतियाँ हो वो उससे हमें हम हमको वो झेलना पड़ता है। आपके जितने वॉल्यूमिनस ईमेल से करस्पॉन्डेंस होती है उसमें ना जाने आपने कितने डिस्क्लोजर अपने अगेंस्ट दिए होंगे, उसको हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि वकील का काम रायता समेटना भी होता है, क्योंकि क्लाइंट तो रायता फैला के आपके पास आते हैं, अगर मैं इन्हें लाइटर विंग कहूँ करेक्ट, तो, उस चीज़ को करने में यस बहुत मेहनत लगती है। टू गिव गेट गेट समवन जस्टिस, अगेन देर इज नो शॉर्टकट टू जस्टिस, देर इज नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क। आज आप हमसे जुड़े अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जाने से पहले मैं अपने दर्शकों से हमेशा ये अपील करता हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल समझ आता हो, जहाँ पे हम इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आप तक रख रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोगों को आप तक लेके आ रहे हैं, उनकी जीवन गाथा से हम एकदम से नए नए सुझाव ले रहे हैं, तो सबसे सरल तरीका है हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अच्छी बातें दूसरों तक भी पहुँचे। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू जैन, थैंक यू सो मच।